अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड मॉलरटाउन में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने आफ्ताब कशी के CEO मोहसिन कशी को बॉलिंग करवाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नवाब आशिक अली, क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात की कसी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही मैच में साबिक टेस्ट क्रिकेटर जहूर राई ने 56 गेंदों पर 104 रन बनाकर इवेंट की पहली सेंचुरी बनाई। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहसिन कशी और मेहमान खसूसी मोहम्मद इरफान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट से क्रिकेट को फरोग मिलता है। पिछले 2-3 साल से ये बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है, लेकिन ऐसा कलरफुल टूर्नामेंट नहीं हुआ था, तो मैंने जो है इसमें ये कलर्स डाले हैं ताकि ये जो वेटरन क्रिकेट है और बेहतर से बेहतर हो। इस तरह हमारी क्रिकेट होगी, ग्राउंड बाद होंगे, जो हमारे जूनियर लड़के हैं वो हम अपने सीनियर को देके ग्राउंड में आके मेहनत करेंगे और इस तरह पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो रोशन होगा। वेटरन क्रिकेट से अवस्था शख्सियात का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और इससे सीनियर खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बरकरार रखने में मदद मिलती है। जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इससे यही जाहिर होता है कि इनको वापस ग्राउंडों में लाने से इवेंचुअली बच्चों का बहुत फायदा होगा। सबको एक्टिविटीज़ मिल जाती है, ऑफिस से ऑफ होते हैं या वैसे ऑफ होते हैं तो आगे क्रिकेट खेल लेते हैं, इनसे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और हेल्थ भी सही। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में SPM स्टैग ने आशियाना बॉयज को 92 रन, जबकि दूसरे मैच में आमर केबल्स ने बक्स को 18 रन से शिकस्त दी। पहले आफ्ताब कशी T20 वेटरन कप में श्री खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के इवेंट से उन्हें अपनी तकनीक और सेहत को बेहतर रखने में मदद मिलती है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ राना आजम, न्यू सिटी 42।